Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 10th class, I am Abdul Rahman Sheikh, Mosul Girls High School, Belgaum. Assalamu alaikum to all of you. Dear students, our today's 10th class English topic is Grammar Part 8. And our subtopic is Very Ordering Sentences. Dear students, in our question, there are some jumbled words and we have to arrange these jumbled or unarranged words in order to make them a meaningful sentence. प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है ग्रामर पार्ट 8. तो क्वेश्चन है हमारा रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस. तो आइए देखते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. हमारे पास कुछ दिए गए वर्ड्स हैं जो गैर तरतीब में है और हमें इन वर्ड्स या फ्रेजेस को ऐसे तरतीब में लाना है ताकि ये एक मीनिंगफुल या बामानी जुमला बन जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए. तो आइए देखते हैं. ए, could not walk Tom properly. B, was Matilda unhappy? Why? And question mark. C, teacher took bully special in her interest. D, can lend me you some money? Question mark. E, steady the and slow wins race. And F, diet less you take light should fall ill. तो प्यारे बच्चों, आपने देख लिया कि किस तरह से ये डिसअरेंज या जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं. आइए अब हम इनको ऑर्डर में लाकर, तरतीब में लाकर मीनिंगफुल सेंटेंस में तब्दील करें. तो आंसर ए, टॉम कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, यानी टॉम अच्छी तरह से चल ना सका. बी, इस बी को आप तरतीब में लाएंगे. Why was Matilda unhappy? And question mark. तो Matilda क्यों नाखुश थी. सी, Bully's teacher took special interest in her. ये यहां सी देखिए जंबल्ड वर्ड्स में और हमने यहां इसको तरतीब में लाया. Bully's teacher took special interest in her. तो Bully's के उस्ताद ने उसमें, यानी बोली में, बड़ी यानी खास इंटरेस्ट दिखाई उसके साथ, एक यानी बोली को पढ़ाने में एक खास इंटरेस्ट, एक खास दिलचस्पी दिखाई, यानी या बोली को पढ़ाने में एक खास दिलचस्पी ले ली उसके उस्ताद ने. डी, कैन लैंड मी यू सम मनी. यहां देखिए, कैन यू लैंड मी सम मनी क्वेश्चन मार्क. फिर ई देखिए यहां, स्टीडी द एंड स्लो विन्स रेस. स्लो एंड स्टीडी विन्स द रेस. स्लो एंड स्टीडी विन्स द रेस. एंड एफ, डाइट लेस्ट यू टेक लाइट शुड फॉल इल. टेक लाइट डाइट, हल्की गुजा ले लो या हल्की हल्की गुजा खाओ. लेस्ट यू शुड फॉल इल, वरना आप बीमार हो जाओगे. तो प्यारे बच्चों, आज का ये क्वेश्चन था हमारा रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस. तो हमने देख लिया कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन में कुछ फ्रेजेस या वर्ड्स दिए गए थे जो इन डिसअरेंजिंग ऑर्डर थे, जंबल्ड ऑर्डर में थे. तो हमने अपने आंसर में उन्हीं वर्ड्स को एक एक करके इस तरह से अरेंज में लाया कि यही वर्ड्स एक मीनिंगफुल, एक बामानी सेंटेंस या मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया. तो प्यारे बच्चों, आप अपना कलम उठाइए और नोटबुक उठाइए, इस पूरे क्वेश्चन को आंसर समेत नोट कीजिए और फिर खुद भी कुछ डिसअरेंजिंग वर्ड्स का एक लिस्ट बनाइए और उनको अरेंज में लाकर मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना लीजिए.
तो मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी और एक टॉपिक लेकर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।